नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोथाइमिया के बारे में। साइक्लोथाइमिया मतलब साइकिल और थाइमिया, थाइमिया मतलब मूड। तो मूड का जो साइकिल है, जिसमें हम कभी खुश रहते हैं कभी सैड रहते हैं, वो साइकिल जिस पेशेंट्स में या क्लाइंट में चलता रहता है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया बाइपोलर टू डिसऑर्डर का एक टाइप कहा जा सकता है। बाइपोलर टू डिसऑर्डर में डिप्रेशन, मेनिया या दो एपिसोड्स के बीच में नॉर्मल पीरियड हो सकता है। साइक्लोथाइमिया में पेशेंट डिप्रेशन से मेनिया में जाता है, मेनिया से डिप्रेशन में जाता है। बाइपोलर टू में डिप्रेशन के कुछ पीरियड नॉर्मल के बाद डिप्रेशन हो सकता है, फिर उसके बाद मेनिया हो सकता है, मेनिया के कुछ नॉर्मलसी के बाद फिर मेनिया हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक फेज़ के बाद दूसरा फेज़ आएगा ही बाइपोलर टू में, पर साइक्लोथाइमिया में डिप्रेशन के बाद मेनिया, मेनिया के बाद डिप्रेशन, ये साइकिल चलता रहता है। इसका मेन कारण होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंटल कॉजेस। हेरिडिटी मतलब अगर मेरे पेरेंट्स को या मेरे लीनियज में बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मुझे होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। दूसरा, अगर स्ट्रेस मेरे आसपास जो है जिसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, उस वजह से भी मुझे कोई भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जैसे साइक्लोथाइमिया या बाइपोलर हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साइक्लोथाइमिया में डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद में मेनिक सिम्टम्स आते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स जैसे बाइपोलर के वीडियो में बताया था कि लो मूड रहना, इंटरेस्ट कम होना, ज़्यादा या कम खाना, ज़्यादा या कम सोना और फ्रस्ट्रेशन होना, या फिर मेनिया के सिम्टम्स जैसे कि तेज़ी आना, बॉडी में एनर्जी सी लगना, खुद में सुपर पावर आए जैसा लगना, नींद की ज़रूरत कम पड़ना, गुस्सा बहुत करना, एक्टिविटी बहुत करना, जैसे कि पैसे बहुत खर्चे करने या सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री टेकिंग बहुत एक अहम पार्ट है इसका निदान करने की, इसका डायग्नोसिस करने की, कि क्या पेशेंट को दो एपिसोड्स के बीच में नॉर्मल सी थी, क्या पेशेंट को एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ लगातार होते जा रही है। ज़रूर इसका इलाज संभव है। इसमें हम पेशेंट्स को जब डिप्रेसिव फेज में होता है तो एंटी डिप्रेसेंट्स और मूड स्टेबिलाइजर्स देते हैं, और जब वो मेनिक फेज में होता है तो उसके एंटी डिप्रेसेंट्स बंद किए जाते हैं और एंटी मेनिक बाकी चीज़ें सपोर्टिव जो उसका गुस्सा या एक्टिविटी कम करे और उसको नींद अच्छे से दे, एंजाइटी कम करे, इसके लिए वो मेडिसिन दिए जाते हैं। मेडिकेशंस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग का, क्योंकि साइक्लोथाइमिया में पेशेंट डिप्रेशन के बाद मेनिया, मेनिया के बाद डिप्रेशन, ऐसे सिम्टम्स की वजह से कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। इस वजह से वो या तो डॉक्टर्स चेंज कर सकता है या तो मेडिसिन पूरी तरह से बंद कर सकता है, क्योंकि उसकी ठीक होने की आशा कम होती है या ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में काउंसलिंग करके पेशेंट्स को बीमारी के बारे में अच्छे से बताना ज़रूरी है। काउंसलिंग में स्ट्रेस जो हमारे नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है वो हम सिखाते हैं, और जब भी सिचुएशंस ऐसे आए कि जिस सिचुएशन को हम अच्छे से डील नहीं कर पाते, उसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन से सिखाते हैं। दूसरा पार्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखना, खाना खाने के बाद रात में सोने के पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए कम से कम एक या दो घंटे, मेडिसिंस टाइम पे लेना और योगा मेडिटेशन साथ में करना ज़रूरी।